अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे अंडा शामी बर्गर। अंडा शामी बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम इसके कबाब बना लेंगे। ये 1 किलो बीफ लिया है हमने बोनलेस, और ये 1.5 कप चने की दाल है, इसे धो के हमने भीगने छोड़ दिया है। अच्छा, जो कबाब का मसाला हम पीसेंगे गरम मसाला, वो मैं आपको बता दूँ, ये जयपल जौतरी है, तकरीबन मैंने 1 टीस्पून ली है, और एक ये जायफल है पूरा, तकरीबन 1/2 टीस्पून मैंने लौंग ली है, ये पिपली है 2-3 ली हैं, 2 से 3, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका, ये ज़रूर डालें आप। छोटी इलायची है, ये भी तकरीबन मैंने 10-15 दाने लिए हैं, बड़ी इलायची मैंने 8-10 दाने लिए हैं। ये दालचीनी का पत्ता है, ये भी तकरीबन मैंने 2 बड़ी स्टिक ले लें आप, या 1 टेबलस्पून भर के। और ये जो है आपका बादियान का फूल, ये भी मैंने तकरीबन 8-10 लिए हैं, और ये साबित काली मिर्च। ये सबको मैं अच्छी तरह से पीस लूँगी, और फिर इसके बाद ज़ीरा है और धनिया पाउडर, वो हम बाद में इसके अंदर ऐड करेंगे, लाल मिर्च का पाउडर भी। तो ये हमारा कबाब का मसाला बन जाएगा। अच्छा, अब इसको जो है वो मिक्सचर में डाल के हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। अच्छा, देखिए हमारा कबाब का मसाला अच्छी तरह से पिस चुका है। अब हम जो है वो गोश्त और ये दाल और ये सब मसाला डाल के जो है हम इसको पकने के लिए रखते हैं। तो ये प्रेशर कुकर में हम बनाएंगे। हमने प्रेशर कुकर ले लिया है और उसके अंदर हमने गोश्त डाल दिया है। अब ये चने की दाल भी हम डाल देंगे इसके अंदर। अच्छा, ये कबाब के गरम मसाले के साथ जो हम मज़ीद मसाले डालेंगे वो है ज़ीरा पाउडर, हमने 2 टीस्पून लिया है, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून, नमक 2 टेस्ट है, मैंने तकरीबन 2 टीस्पून लिया है। और इसमें जो हम ये मसाला डालेंगे तकरीबन ये 2 टीस्पून के करीब मैं ले रही हूँ। अब इन सारे मसालों को हम जो है वो गोश्त के अंदर डाल देंगे। ये देखिए, ये सारे मसाले मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, और बस अब हम इसको कवर करके सीटी लगा देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ऐसे देखें, आँच हमने जला दी है, अब हम जो है वो इसको ढक्कन लगा देंगे प्रेशर कुकर को। अच्छा देखिए, मसाला हमारा गल गया है, हमने इसको निकाल लिया था, अब हम इसको चॉपर में जो है वो अच्छी तरह से पीस लेंगे। देखिए, हमने शामी कबाब के मसाले को पीस लिया है, अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा, मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं डाल रही, धनिया पुदीना और जो प्याज वगैरह डालते हैं कुछ भी नहीं डालूंगी मैं इसके अंदर। और इसको मैं जैसे बन जो है वो मैंने लंबे वाले लिए हैं, तो मैं कबाब भी जो है वो लंबे लंबे ही तलूंगी। ये हमने इस तरह से कबाब बना लिए हैं, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। पैन में हमने तेल गर्म होने रख दिया था, और बस हम इसको हल्की सी शैलो फ्राइंग करेंगे। इसी तरह जो है वो हम सारे कबाब जो है वो फ्राई कर लेंगे। अच्छा, जब तक हमारे कबाब फ्राई हो रहे हैं, उस दौरान हम जो है ये अपने जो बन हैं इनको हाफ करके बीच में से और इनको सेक लेते हैं। अच्छा देखें, कबाब हमारे फ्राई हो गए हैं, अब जो है वो हम अंडे को भी जो है वो फेंट लेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, बस सिर्फ मैं इसके अंदर हल्का सा नमक डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरह से हम फेंट लेंगे। अंडे को हम फ्राई कर लेंगे। ये अंडा जो है वो हमारा फ्राई हो गया है, अब हम इसके ऊपर कबाब रखकर और इसको फोल्ड कर देंगे। देखिए, मैंने इसके ऊपर कबाब रख दिया है, अब इसको जो है वो हम फोल्ड कर देंगे।
अच्छी तरह से, ताकि अच्छा बिल्कुल इसका हम इसको फोल्ड कर देंगे। हम बन कबाब के लिए एक रायता बनाएंगे। इसके लिए हमने धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें ली हैं, और ये घर का जमा हुआ दही है। मैं इसको तोड़कर और उसके अच्छी तरह से इसके अंदर ब्लेंडर में डाल के पीस लूँगी। अच्छा देखिए, धनिया पुदीना हमने डाल दिया है तोड़ के, और अब हम ये दही डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हम ब्लेंड कर लेंगे। बस सिर्फ मैं इसके अंदर नमक डालूँगी। अच्छा देखिए, हमारी सारी चीज़ें तैयार हैं, बिल्कुल रेडी हैं। अब हम अंडा शामी बर्गर को असेंबल करेंगे। ये कबाब और अंडा है, ये रायता भी हमने बना लिया है, प्याज है, टमाटर हैं, मेयोनीज़ और केचप अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, और ये हमने बन भी अच्छी तरह से सेक लिए। अब हम असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हम रायता लगा देंगे। बहुत ही सिंपल सा है ये, सिर्फ दही है, धनिया पुदीना है और हरी मिर्चें, और नमक डाल के मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। अब इस पे हम केचप लगा देंगे। और ये जो है इसको हम अंडा और शामी को हम इसके अंदर अच्छी तरह से, फिर इसके ऊपर टमाटर है, खीरे भी लगा सकते हैं, मुझे मिले नहीं तो इसलिए मैंने नहीं रखे। प्याज ले लें आप, खूब अच्छी तरह से इसको लोडेड कर दीजिए। और बस देखिए, ये हो चुका है। अब हम इसको बंद कर देंगे और हमारा जो है ये अंडा शामी बर्गर बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल रेडी है। लीजिए जनाब, हमारा मज़ेदार सा अंडा शामी बर्गर बिल्कुल तैयार है। मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।